अगर आप ट्रीजर हंटिंग यानी खजाने की खोज पर मूवी को पसंद करते हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक की सबसे अच्छी खजाने पर बेस्ट मूवी के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आप यही कहेंगे इट्स ऑसम। तो वीडियो को बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। डोरा सिटी ऑफ द गोल्ड। दोस्तों हमने इस मूवी को 10 पर रखा है। दोस्तों आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें सोने के बने हुए पूरे शहर को ढूंढा जाता है, तो दोस्तों ये मूवी बिल्कुल इसी कहानी पर बेस्ड है। इसमें डोरा नाम की एक लड़की होती है जिसके माँ बाप एक सीक्रेट मिशन पर जाते हैं और वो मिशन पर डोरा को नहीं लेकर जाते हैं और फिर डोरा के माँ बाप को किडनैपर पकड़ लेते हैं ताकि वो सोने को शहर को लूट सकें। लेकिन डोरा अपने कुछ फ्रेंडों के साथ उस मिशन पर चुपचाप चली जाती है और इस शहर को ढूंढती है। दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे एडवेंचर और कॉमेडी है और दोस्तों इस मूवी को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है 10 में से। तो दोस्तों ये मूवी आप ज़रूर देखना। नंबर 9 फाइंडिंग ओहाना। दोस्तों ये मूवी एक शानदार और एडवेंचर से भरपूर है और दोस्तों ये भी एक ट्रीजर हंटिंग मूवी है जिसमें एक स्पेनिश लुटेरे का खजाने को लूटा जाता है और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि खजाना श्रापित होता है। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, इसमें ओहाना नाम की एक लड़की होती है जिसका बाप शहर से दूर एक आइलैंड पर रहता है और उसका बाप उस खजाने के बारे में सबसे बातें छुपाता है, लेकिन उसकी बेटी को कुछ सबूत मिल जाते हैं और फिर वो एक अपने दोस्त के साथ छुपकर उस खजाने की खोज में निकल जाती है। तो दोस्तों इस मूवी को आप ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है और इस मूवी को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है 10 में से। नंबर 8 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और ब्लैक पर्ल। दोस्तों अगर आप समुद्री लुटेरे की मूवी पसंद करते हो तो मैं दावा करता हूँ कि इससे अच्छी मूवी आपको दूसरी नहीं मिलेगी। दोस्तों इस मूवी में लीड रोल को जॉनी डीप ने प्ले किया है जो कि एक समुद्री लुटेरा होता है जिसका नाम जैक स्पैरो होता है। दोस्तों इस मूवी में खजाने की ऐसी स्टोरी होती है कि आप सुनकर चौंक जाओगे। दोस्तों इसमें जो खजाना होता है वो एक श्रापित खजाना होता है, उस पर यह श्राप होता है कि जिसने भी ये खजाना चुराया वो रात को चांदनी रात में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों इस मूवी में खजाने के बारे में सबसे हटकर स्टोरी है और दोस्तों इस मूवी को IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है 10 में से। नंबर 7 द होबिट द डेसोलेशन ऑफ स्मग। दोस्तों ये मूवी बहुत शानदार एडवेंचर मैजिक और फैंटसी स्टोरी पर बेस है और ये मूवी होबिट सीरीज की पार्ट 2 मूवी है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है जिसमें एक बौने राजाओं का साम्राज्य होता है जिसके पास बेशुमार दौलत होती है और एक ऐसा जादुई पत्थर होता है जिसे पहाड़ का दिल कहा जाता है और दोस्तों फिर बाद में एक पूरे खजाने पर एक ड्रैगन हमला कर देता है और उस खजाने पर कब्जा कर लेता है और फिर उस बौने राजा का लड़का उस खजाने को कैसे पाता है। इसी बीच बहुत सारा मैजिक लड़ाई और बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है और हाँ ये मूवी 3 घंटे की है और दोस्तों इसको IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है 10 में से। 6 द मम्मी। दोस्तों आपने बेशक कई सारी मम्मी के ऊपर बेस्ट मूवी देखी होगी लेकिन जैसे ये मूवी है वैसी आज तक कोई मूवी नहीं बनी। ये मूवी एक एडवेंचर और इजिप्शियन स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। इस मूवी में लीड रोल को ब्रेंडन फ्रेसर ने निभाया है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, इसमें कायरो के एक रेगिस्तान में एक सबसे छुपी हुई जगह होती है जिसका नाम होता है हमनाप। उस जगह पर इजिप्शियन राजा सोना रखा करते थे। बहुत सारे लोग उस खजाने की खोज में जाते हैं लेकिन वो एक श्रापित मम्मी को जगा देते हैं और वो फिर तहलका मचा देती है और फिर उस मम्मी को कैसे मारा जाता है और उस खजाने का क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों इस मूवी को IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी 10 में से। दोस्तों इस मूवी का एक सीक्वल भी होता है, मुझे पक्का यकीन है अगर इसका ये फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो आप इसका सेकंड पार्ट बिना देखे नहीं रह पाओगे। नंबर 5 नेशनल ट्रीजर। दोस्तों इस मूवी को नंबर 5 पर रखा है। दोस्तों अगर आप ऐसी मूवी को पसंद करते हो जिसमें किसी खजाने को पहेलियों के जरिए सुलझाया जाता है और जैसे जैसे पहेलियाँ सुलझ जाती हैं आप खजाने के नज़दीक पहुँच जाते हो, तो ये मूवी ठीक उसी जैसी है। दोस्तों इस मूवी में लीड रोल को निकोलस केज ने निभाया है जिसमें निकोलस केज एक ऐसे गुप्त खजाने को ढूंढता है जिसकी स्टोरी काफ़ी प्रचलित रही है और इस खजाने को ढूंढता है, लेकिन इसमें कुछ विलन भी होते हैं जो उस खजाने को लूटना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें देखना कि कैसे निकोलस केज विलन्स को बेवकूफ़ बनाकर सबके नाक के नीचे से खजाना को लूट कर ले जाता है और अपनी गवर्नमेंट को सौंप देता है। और दोस्तों ये मूवी काफ़ी मिस्ट्री से भरपूर है और मैं सलाह देता हूं कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। इस मूवी को IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है 10 में से। और इंडियाना जोन्स राइडर ऑफ द लॉस्ट आर्क। दोस्तों इस मूवी सीरीज़ के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको सबसे पहले कौन सी मूवी देखी जाए तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा।
दोस्तों इस मूवी सीरीज में लीड रोल को हैरिसन फोर्ड ने निभाया है। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही एडवेंचर और मिस्ट्री से भरपूर है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें एक सोने से बने संदूक को ढूंढा जाता है जिसके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो आज तक किसी ने नहीं ढूंढ पाई और उसके पीछे पूरी दुनिया के लोग पड़े होते हैं, लेकिन उसे केवल इंडियाना जोन्स ढूंढ पाता है। तो दोस्तों देखना, ये मूवी काफ़ी शानदार होने वाली है। इस मूवी को सन 1981 में रिलीज़ किया गया था। और दोस्तों इसका एडवेंचर यहीं नहीं ख़त्म होता है, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल इस मूवी को IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है 10 में से। दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अगर दोस्तों पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी रिलेटेड वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। नंबर 3, नेशनल ट्रीजर द बुक ऑफ द सीक्रेट। दोस्तों जब आप ये मूवी देखो तो इसका पहला पार्ट ज़रूर देखना, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसके बिना ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। स्टोरी कुछ ऐसी है, उस मूवी में निकोलस केज गुप्त खजाने की खोज में रहता है, लेकिन इस मूवी में एक पूरे सोने से बने शहर को ढूंढता है और बहुत सारी पहेलियों को सुलझाकर उसके पास पहुंचता है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत मिस्ट्री से भरपूर है। तो दोस्तों इस मूवी को ज़रूर देखना है। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग 8.3 की दी है 10 में से। नंबर 2, इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रस्ट। दोस्तों इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, इंडियाना जोन्स बहुत छोटे से ही एंटिक चीज़ों को ढूंढता है, लेकिन उसका बाप बहुत रहस्यमय था जो एक ऐसे प्याले की खोज में रहता है जिसे पीने के बाद हर इंसान अमर हो जाता है। लेकिन उसे एडल्फ हिटलर की नाजी सेना पकड़ लेती है, लेकिन उसका बाप चालाकी से सबूत से भरी डायरी अपने बेटे इंडियाना जोन्स को भेज देता है। इंडियाना जोन्स एक आर्कोलॉजी का प्रोफेसर होता है, लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे तब आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब उसको ये डायरी मिलती है तब वो अपने बाप को ढूंढने निकल जाता है और इन सब के बीच उस प्याले को भी ढूंढता है। और दोस्तों देखना कि वो प्याले तक पहुंचने के लिए किन किन चुनौतियों से लड़ता है। देखा जाए तो ये मूवी शुरू से एंड तक फुली एडवेंचर से भरी हुई है। और दोस्तों इस मूवी को IMDb ने 8.4 की रेटिंग दी है 10 में से। दोस्तों नंबर 1, इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रश स्कल। दोस्तों इस मूवी को मैंने नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि इस मूवी में वो खजाना ढूंढा जाता है जो सबके पास होता है लेकिन सीमित मात्रा में। आप सोच रहे होंगे कि बात हो रही है सोने की, तो ऐसा नहीं है। वैसे मूवी में देखा जाए तो खजाना भी मिलता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, यानी कि नॉलेज। स्टोरी कुछ ऐसी है, इंडियाना जोन्स का एक दोस्त होता है ऑक्सली, उसे एक ऐसी खोपड़ी मिलती है जिसमें बहुत सारी शक्ति होती है और उस खोपड़ी को वो वहीं पहुंचाना चाहता है जहां से वो आई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन इंडियाना जोन्स ऐसा करता है। लेकिन इसमें एक लड़की होती है विलन, वो इस खजाने को ढूंढती है और उसके लिए वो उसके दोस्त को किडनैप कर लेती है। फिर इंडियाना जोन्स उसे ढूंढता है। जब वो खोपड़ी को वहाँ ले जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये खोपड़ी तो एलियंस की थी, और उस खोपड़ी को वापस कैसे लौटाता है और फिर वो उसे कैसे खजाना देते हैं। तो दोस्तों ये आप मूवी देखकर खुद पता कर लेना। मेरी तो ये फेवरेट मूवी है और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग 6.2 की दी है, लेकिन ये मूवी रेटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छी है। और दोस्तों आपको बता दूं, इंडियाना जोन्स की सीरीज़ का अगला पार्ट सन 2023 में आने वाला है। इसमें से आपको कौन सी मूवी का इंतजार है, आप कौन सी मूवी की स्टोरी पसंद आई, तो उसके बारे में हमें कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बता देना। और दोस्तों तो पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी रिलेटेड वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके।